नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले टीआई बघेल ने कहा, सबसे पहले देश सेवा, फिर होंगे सात फेरे। जी हां, खरगोन जिले के टांडा बरोड़ थाने पर पदस्थ थाना प्रभारी पीएस बघेल, जिनका शुभ विवाह अक्षय तृतीया पर बालाघाट के टीआई मनसाराम रोमड़े की बेटी कविता से होने वाला था। शादी की तैयारी घर में पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसी के बीच में कोरोना संक्रमण जैसी महामारी ने अपने पैर पसार लिए और कई लोगों को अपने काल के ग्रास में लेकर हमेशा के लिए उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। ऐसे में टीआई बघेल ने अपने क्षेत्र में अपनी ड्यूटी को पहली प्राथमिकता दी और उन्होंने अपनी शादी होना स्थगित कर दी। उन्होंने कहा, पहले होगी देश सेवा, फिर होंगे सात फेरे। टीआई बघेल अपनी खुशियों का मोह छोड़कर गांव व क्षेत्र में कोरोना जैसी महामारी की जंग में अपने पुलिस दल को लेकर निरंतर डटे हुए हैं। टीआई बघेल सतत गांव व आसपास के क्षेत्र में अपनी ड्यूटी देकर लोगों को कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचाने का कार्य कर रहे हैं। गांव के लोगों को पूरी तरह से लॉकडाउन का मतलब भी समझा रहे हैं। अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क बिना घर से बाहर नहीं निकले, बार बार सैनिटाइज का उपयोग करें। धन्य है ऐसे अधिकारी जो अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर गांव के लोगों की सेवाएं कर अपनी ड्यूटी का पूरी तरह से फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को देश सलाम करता है। टांडा बरूड से जाकिर शेख की रिपोर्ट। चर्चा है कि आप जो है, आपके परिवार में शहनाई की गूंज होने वाली थी और लेकिन आपने जो है इस पूरे मामले को कैंसिल किया और आप अपनी ड्यूटी पर सजग निरंतर डटे हुए हैं। बताएं आप क्या है मामला? जी, आपने सही सुना है। मेरी 26 अप्रैल को शादी होने वाली थी, पूरी तैयारी हो चुकी थी, परिवार वालों ने पूरी तैयारी कर चुके थे, बट ये कोविड-19 को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए मैंने, मेरी फियांसी ने और जो मेरे परिवार थे, दोनों फैमिलियों ने डिसीजन लिया कि हम ये खुशियाँ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में मना सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए देश सेवा, जन सेवा पहली प्राथमिकता है हमारी।